तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की हमारी एक कोड कंसेप्ट चैप्टर चल रहा है। तो हमने बताया था कि वर्कबुक से रिलेटेड कोड क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया था कि चार ऑब्जेक्ट है मेन वीवीए में, एप्लीकेशन, वर्कबुक, शीट्स, रेंज। हमने एप्लीकेशन को फिलहाल स्किप किया हुआ है, हमने वर्कबुक को पढ़ा, हमने शीट्स को पढ़ा, इससे रिलेटेड हमने कुछ काम भी किए। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बगैर रेंज का हम कुछ नहीं कर सकते। सो रेंज इज द वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से आप देखेंगे। ओके सर, तो रेंज में अब सबसे पहले बात आता है कि हम रेंज को कॉल कैसे करें। जो पहला यहाँ पे चैलेंज आता है कि रेंज को कॉल कैसे करें। तो रेंज को कॉल करने का, जैसे हमने आपको वर्कबुक के लिए बताया, सीट्स के लिए बताया था ना, हमने आपको वर्कबुक के दो बताया था, वर्कबुक एक्टिव वर्कबुक, सीट्स के लिए हमने सीट्स, सीट के प्रॉपर्टी नेम, कैप्शन नेम एंड उसके सिक्वेंस में बताया था। ऐसे रेंज के भी होता है। जैसे ये मुझे अगर मान लीजिए कि रेंज ए वन पर कर्सर रखना है तो क्या करेंगे, रेंज ए वन, मुझे ए वन पता है नाम, तो हमने यहाँ पे डॉट सिलेक्ट या डॉट एक्टिवेट। एक्टिवेट सिर्फ एक सेल के लिए होता है, बट सिलेक्ट एक या एक से ज्यादा सेल के लिए होता है। ओके सर, अब इसमें अगला हमारा जो ऑप्शन आता है वो आता है कि अगर दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा है सेल, सेल में 1,1 डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट। 1,1 मतलब कि 1 रो एंड 1 कॉलम, 1 रो एंड 1 कॉलम। ये आपका जो होता है R1 C1 होता है, रो को भी नंबर में एंड कॉलम को भी नंबर में लेके चलता है। उसके बाद एक्टिव सेल, जिससे जिस पे हमारा कर्सर है वो एक्टिव होता है। अब एक सिलेक्टेड है, देखिएगा सिलेक्टेड है, सिलेक्शन में जो यहाँ एक्टिव क्या है, C4 है, तो एक्टिव सेल हमारा C4 हुआ। अगर हम यहाँ सिलेक्शन लेते हैं तो सिलेक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो सारा जो है C4 से H44। अब मुझे मान लीजिए सिलेक्ट करना है, तो अगर मैंने यहां लिख दिया रेंज A1, डॉट सिलेक्ट, तो क्या हुआ, जो एक्टिव सीट है ना हमारा, उसके रेंज वन पे जाएगा। लेकिन मुझे डेटा सीट के रेंज A1 पे आना है, तो हमें इससे पहले क्या करना होगा, सीट्स डेटा। अभी इसकी कॉलिंग मेथड लास्ट क्लासेस में बताया था, उसकी कॉलिंग मेथड अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे, ठीक है। तो सीट आपका सीट डेटा डॉट सिलेक्ट A1 डॉट सिलेक्ट, तो फिर वो डेटा सीट पे जाएगा, A1 पे सिलेक्ट करेगा। तो आपने डिफाइन करना होगा। उसी तरह से मान लीजिए कि बुक 2 के डेटा सीट पे जाना है, दूसरे फाइल है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देना पड़ेगा वर्क बुक्स, और इसमें यहां पे फाइल नेम जो भी एक्सटेंशन है डॉट सेलेक्ट, नहीं यार डॉट एक्टिवेट होता है, फाइल में एक्टिवेट होता है। तो पहले बुक 1 को एक्टिव करेगा, देन रिसीट को एक्टिव करेगा, देन रेंज ए वो को एक्टिव। क्लियर है? ओके। तो ये इस तरह से आप वन बाय वन चलेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ये तो हमारी रेंज की कॉलिंग मेथड हो गई, समझ गए? क्लियर है? हाँ जी सर। तो रेंज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, रेंज पे हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या करते हैं, सिलेक्शन। जब तक हमें एरिया को सिलेक्ट करने नहीं आएगा तब तक हम कुछ कर पाएंगे सर? अगर हमें कॉपी करना है, हमें पिवट लगाना है, पेस्ट करना है, हमें फिल्टर करना है, हमें चार्ट लगाना है, एनीथिंग बिफोर द सिलेक्शन आफ्टर दैट। तो पहले हम सिलेक्शन करते, सिलेक्ट कैसे करें, इस एरिया को सिलेक्ट कैसे करें। तो अगर हम मैनुअली सिलेक्ट करने की बात करें तो सिलेक्ट करने के
के लिए दो तरीके हैं। जैसे एक्सेल का तरीका है कि A1 से लेके HI18, यहाँ पे हम I18 कर दी, जैसे कि हमारा एक्सेल के फॉर्मूला में होता है। सम लगा लीजिए आप यहाँ पे, उस सम में हम सिलेक्शन करते हैं फॉर्मूले में, तो इसी तरह सिलेक्शन दिखाता है। ओके ओके। दूसरा तरीका है हमारे पास, वो है कि रेंज A1, I18 इस तरह से डॉट सेलेक्ट। ये क्या करेगा कि ऊपर में सेलेक्ट करेगा और शिफ्ट के साथ नीचे भी इसको करेगा। अब मुझे मान लीजिए कि मल्टीपल सेलेक्ट करना है, हम लोग करते हैं कंट्रोल प्रेस करके, तो मल्टीपल सेल कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो यहां हम लिखेंगे रेंज A1, C2, D2, E2 इस तरह से डॉट सेलेक्ट। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना है, ठीक है, जितने भी सेल्स को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद जैसे फॉर्मूला वगैरह या कुछ और चीजें करनी है तो ठीक है, लेकिन आपको सिलेक्ट करने के बाद अगर कॉपी करना है तो एक चीज का ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए मैंने A1, A2 सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया या इसको सिलेक्ट किया, इसमें आप देख रहे हैं कि जो सिलेक्शन ऊपर के कॉलम्स का है वही नीचे का रो का सेम नीचे रो का है, जो रो नंबर 1 में जिस कॉलम को हमने सिलेक्ट किया है वही हम रो नंबर 4 में उस कॉलम को सिलेक्ट किए और फिर कॉपी किए, कॉपी हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि हमने A1 को सिलेक्ट कर लिया, C3 को सिलेक्ट कर लिया, D30 को सिलेक्ट कर लिया, अब इसको हम कॉपी एक्स्ट्रा कॉपी नहीं कर पाएगा। एक से ज्यादा से मान लीजिए A से C तक ले लिया और फिर नीचे आप जो है इसको ले लीजिए, तो सीक्वेंस में है रो तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, या कॉलम में सिक्वेंस, यहां पर भी है सिक्वेंस, इसको सिलेक्ट कर लिया आपने और सेम रो आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया जा सकता है। तो जब मल्टीपल सेल सिलेक्शन करेंगे तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है कैरी जी? ठीक है जी, इसका ध्यान रखेंगे कि सेल सिलेक्ट करते समय इस तरह की चीजें। अब मान लीजिए मुझे कंट्रोल A करके सिलेक्ट करना है पूरा का पूरा, अब कंट्रोल A तो हमारा शॉर्टकट है ना सर, ऑप्शन कौन सा है तो ये पता होना चाहिए आप, अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूं कि यहां फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल होता है, इसमें जो करेंट रीजन होता है उसी को कंट्रोल A उसका शॉर्टकट है। हम कंट्रोल A करते हैं ना सर, तो करेंट रीजन को ही सिलेक्ट करता है। तो एक्सेल में हम यहां एक कोई भी, जरूरी नहीं कि A1 ही हो, हम यहां उस डेटा के कोई भी एक रेंज को लेंगे A1 या जो भी रेंज हो, डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट, ये क्या करेगा आपका पूरा डेटा सेलेक्ट कर देगा। ओके राइट सर, अब बात आ रही है मुझे पूरी सीट सेलेक्ट करनी है, कैसे सेलेक्ट करते हैं, या A1 के बीच में आप क्लिक करते हैं ना, पूरी सीट सेलेक्ट हो जाती है। हाँ जी, पूरी सीट सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे सेल्स सेल्स डॉट सेलेक्ट। तो सेल्स अब सिलेक्शन देखिए, सेल्स में अगर नॉर्मल न्यूमेरिक कॉमा डालते हैं तो ये आपका एक पर्टिकुलर रेंज को लेता है, अगर आपने सेल्स दे दिया तो ये एंटायर शीट को कॉल करता है, तो आपको एंटायर शीट पे सिलेक्ट करना या कुछ करना है तो आप सेल्स डॉट लिखेंगे, ये एंटायर शीट को देता है। ओके समझ गए, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं जी नहीं। अब जैसे कि हमें कर्सर मूव करना होता है, जैसे मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ है और मुझे सबसे लास्ट में लाना है, तो हम एरो की से एक एक करके लाएंगे तो टाइम लग जाएगा, अगर डेटा ज्यादा हो तो हम क्या करते हैं कंट्रोल दबाते हैं और डाउन कर देते हैं,
या राइट एरो कर देते हैं, या अप एरो कर देते हैं, या लेफ्ट एरो कर देते हैं, सबसे लास्ट में जाता है ना। तो ऐसे मुझे कर्सर को सबसे लास्ट में लाना है, तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कि रेंज A1 डॉट एन, और डाउन में लाना है तो डाउन डॉट सेलेक्ट, समझे। तो ए क्या होगा कि यहां से हम कंट्रोल डाउन करेंगे तो नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर बीच में कहीं ब्लैंक हुआ तो मैं कर्सर वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। ये कैसे, मुझे सबसे लास्ट में डेट ले जाना है, लेकिन कैसे ले जाए, क्योंकि ऊपर यहां हेडिंग ब्लैंक है हमारा। तो उस केस में यहां हम लिखेंगे रेंज A65000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट सेलेक्ट, बोलेंगे ये कैसा है। तो ये क्या करेगा कि A65000 पे जाएगा और वहां से कंट्रोल प्रेस करके अप पे आ जाएगा। अब इसके बीच में जो भी ब्लैंक सेल उसको जंप करके यही पे आके रुकेगा ना। अब इसके ऊपर ब्लैंक है उसे इस पर लगाना है, समझ गए। एक कोर्स समझ में आया सर आपको कि नहीं। हाँ जी सर, आपका थोड़ा सा ना ब्रेकअप हो गया था बीच में, आवाज नहीं आ रही थी। जैसे आपने बोला कि A65000 पे नीचे जाएगा पहले, फिर ऊपर आएगा एंड वो लास्ट सेल में रुक जाएगा। जी हाँ, उससे ऊपर जो ब्लैंक है उससे तो इसको मतलब नहीं होगा ना। ओके ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सबसे लास्ट में जाना है, लेकिन बीच में मेरे पास ब्लैंक सेल भी हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी आपको लग रहा है, तो आप नीचे वाला कोड को यूज करिए, हमेशा नीचे वाला कोड को लास्ट में जाने के लिए इस्तेमाल। Okay. मुझे लास्ट, मुझे क्या करना है कि इसमें नेक्स्ट ब्लैंक सेल लेना है मुझे डेटा एंट्री करने के। तो यहां से तो हम लास्ट आ जाएंगे ना, लेकिन मुझे जहां है कर्सर उसे एक सेल नीचे चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो जहां है वहां से एक सेल नीचे लाने के लिए दो तरीके हैं, कि आप एक कोड लिख लें उसके नीचे आप कर दें एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट सेलेक्ट, ऑफसेट में ए आपका रो हो गया, ए आपका जीरो हो गया, आगे बढ़ने के लिए प्लस में डालेंगे, पीछे हटने के लिए माइनस में डालेंगे। सॉरी सर, सर हाँ क्या बोला आपने, ये 1,0 तो 1 ये रो है, 1 रो है 0 कॉलम है, आगे के लिए प्लस में और पीछे हटने के लिए माइनस में। तो ये क्या करेगा कि पहला वाला कोड क्या करेगा कि वो नीचे 65000 से एंड करके ऊपर लास्ट सेल में कर्सर रख देगा। तो लास्ट सेल हमारा क्या है, एक्टिव सेल हो गया। एक्टिव सेल से ऑफसेट क्या करेगा, हमने दिया हुआ है एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1,0 मतलब कि 1 रो, तो 1 रो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने बोल दिया 1 रो एंड 1 कॉलम, तो क्या करेगा कि यहां नीचे आएगा और नेक्स्ट कॉलम आगे चला जाएगा, ठीक है। और माइनस में करेंगे तो इसका ऑपोजिट करेगा। तो ये एक्टिव सेल लगाने के बजाय मैं डायरेक्ट जो है इसको ऑफसेट कोई यहीं पे लगा सकता हूं कि डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट सेलेक्ट। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिए कि मुझे सिलेक्शन करना है कुछ इस तरह से, मान लीजिए यहां पे डेटा हमारा है, हमें सिलेक्शन करना है इस तरह से, करते हैं नंबर, अब इसको लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए कोड लिखेंगे रेंज A1, A1 हम इस मेथड को लेंगे, A1 हमारा स्टार्टिंग है, एंडिंग हमें पता नहीं, तो यहां पे लिखेंगे कि रेंज A1 से डॉट एंड एक्सएलएस टू लेफ्ट
गया सर, हमने दो कोड को मिक्स किया है। ये जो कोड था, एक कोड हमने लिया, इसमें हमने ये एंड वाला मेथड डाल दिया। तो ए जब इसमें कोड वर्क करेगा तो पहले ए चलेगा, ठीक है ना सर। ए चलने के बाद बताएगा कि इसका लेफ्ट में लास्ट कौन सा नंबर है, तो पता चला आई है, तो ए आई वन यहां डाल देगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे इसी को नीचे लेके आना है, तो एरिया जो है वो सिलेक्टेड है, तो यहां सिलेक्शन हम लेंगे, यहां देंगे हम सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डॉट डॉट सिलेक्ट, या तो दो लाइन हम लिखेंगे तो हमारा डेटा, जितना भी डेटा है वो डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यही है कि आपका यहां भी ब्लैंक हुआ, आपका यहां भी ब्लैंक हुआ, तो फिर एक कोड आपका सिर्फ इतना एरिया सिलेक्ट करके दे देगा। ओके, तो मैं चाहता हूं कि मेरा सिलेक्शन जो हो ओवरऑल हो डेटा। इसके लिए हम थोड़ा सा थ्योरम लेंगे, हम करेंगे आर कॉमा रेंज ए 65,000 डॉट एन एक्सेलस अप, और यहां पे इसकी रो नंबर जो है हम आर पे स्टोर करा लें, मतलब कि आपके डेटा का लास्ट रो क्या है 18 है। फिर हम सी इक्वल टू रेंज एट एफ टी वन डॉट एन एक्सेल टू राइट डॉट कॉलम, ये क्या करेगा, ये सबसे लास्ट में जाएगा एक्स एफ डी वन, यहां पे यहां से वो कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करोगे तो कर्सर आपके लास्ट कॉलम पे आगे रुकेगा ना सर। इसका कॉलम नंबर पता चल गया, तो मेरा कॉलम नंबर पता चल गया और हमारा रोल नंबर पता चल गया, और स्टार्टिंग हमें A1 तो पता ही। तो अब यहां पर लिखेंगे कि रेंज हमारा डेटा का स्टार्टिंग पोजीशन 1 है, A1 है, और एंडिंग पोजीशन के लिए हमने सेल्स लेंगे। सेल्स क्यों लिया हमने यहां पे, सेल्स क्यों लिया सर, क्योंकि हमारा रो एंड कॉलम जो है नंबर में है, तो ये सेल्स ही है जो कि R1 C1 स्टाइल को फॉलो करता है, मतलब कि रो एंड कॉलम को रीड करके उसका रेंज बनाता है, ठीक है गैरी जी। ठीक है जी, ये आपका सिलेक्शन मेथड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्यों, क्योंकि अब आगे जो भी आप काम करेंगे उसमें इसमें से कोई ना कोई लाइन ऑफ कोड यूज तो होगा ही होगा, बात समझ गए। आपके बाद जितनी भी क्लासेस होगी उसमें मोस्टली क्लासेस में इसमें से कोई ना कोई लाइन ऑफ कोड यूज होगा, क्योंकि हम एक्सेल पे कुछ भी करेंगे तो रेंज पे ही करेंगे ना सर। कोई भी रिपोर्ट बनानी है, कोई भी कैलकुलेशन करनी है, किसी भी तरह का इवेंट करना है, तो उसको हम सीट पे ही करेंगे ना, रेंज पे ही करेंगे ना, सेल पे ही करेंगे ना, ठीक है। और ये जो कोड्स है किसी सेल को, किसी एरिया को एड्रेस करने का सेल है, मतलब कैसे उस तक पहुंचे, तो इस एक बार अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लें। कल हम आपको बताएंगे कि हम किसी रेंज पे डेटा कैसे टाइप करेंगे और एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म का डेटा हम स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है सर। एक क्वेश्चन पूछूं बिफोर यू गो, आप पूछिए। जो आपने अभी कोड लिखा है, योर लास्ट फिफ्थ रो है ना आपकी रेंज A1, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि रेंज A1 कॉमा रेंज A1 ब्रैकेट में जो डाला है ऊपर, यानी नीचे 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 जी नीचे
ये वाला आप आपने लिखा है ना रेंज ए वन, रेंज ए वन डॉट एंड एक्सेल टू लेफ्ट, हाँ ये वाली ये रो। तो मेरी अगर मैं इस कोड को रीड करूं तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये है कि पहले रेंज ए वन ये सेल ए वन में पड़ा है, किसी एक एरिया को सिलेक्ट करने ए वन और आई एटीन कि ए वन पे क्लिक करेगा और शिफ्ट के साथ आई एटीन पे क्लिक करेगा तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, VBA को VBA के जरिए हम सेल को सिलेक्ट कर रहे एरिया को सिलेक्ट करने के लिए इसी कोड का मेथड यूज करते हैं। ठीक है, इसमें पहला स्टार्टिंग पोजीशन होता है, दूसरा एंडिंग पोजीशन होता है कि यहां से लेके यहां तक का रेंज सिलेक्ट कर लो, राइट? ठीक है, तो मुझे स्टार्टिंग तो पता है कि A1 है इस कोड में, मुझे स्टार्टिंग तो पता है कि A1 है। ठीक है, समझे? ठीक है जी, मुझे एंडिंग नहीं पता है कि लास्ट कहां है। तो लास्ट कहाँ है, तो लास्ट के लिए हमने एक कोड समझाया था आपको, हाँ जी, कि आप कर्सर को लास्ट में ले जाए, यहाँ से कंट्रोल के साथ दबाए तो लास्ट में चला जाएगा, लेफ्ट राइट अप करेंगे तो कर्सर लास्ट में मूव होगा ना। तो हमने इन दोनों कोड को मर्ज कर दिया हुआ है। ठीक है, कॉमनली मर्ज करते हैं ना, हमने बोला रेंज स्टार्टिंग पोजिशन आपका A1 है, एंडिंग पोजिशन आप इस कोड से पूछ लो, एक कोड रिजल्ट देगा वो हमारा एंडिंग पोजीशन होगा। ओके, समझ गए? ठीक है, और जो जो नीचे है सिलेक्शन वो भी ये सेम ही काम करेगा। हाँ, सिलेक्शन हमारा स्टार्टिंग पोजीशन होगा, मतलब कि इस कोड से पहले जो एक कोड जो जहां एरिया को सिलेक्ट कर लिया है ना सर, वो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है और एंडिंग पोजीशन आपको एक एक कोड बता देगा, सिलेक्शन डॉट एंड डॉट एक्सेल डॉट। ठीक है, That's fine, sir. और लास्ट में आपने बोला था कि सेल्स वाला, कि सेल्स हमने क्यों सिलेक्ट किया सेल्स? हाँ, दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि हम इस कोड की लिमिटेशन ये है, कोड की लिमिटेशन क्या है कि इसमें ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अगर ब्लैंक हुआ तो फिर वो सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, ब्लैंक सिलेक्ट करेगा उसके नीचे का एरिया सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, तो हमने क्या किया कि दो वेरिएबल ले लिए हमने, यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए, ठीक है, और दोनों वेरिएबल को हमने दोनों पे जो है उसका लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम स्टोर करा दिया। ठीक है, हमने बोला कि आर ए 65,000 से ऊपर तक जाओ, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था आपको ना सर, 65,000 वही में इसने ऊपर गया और जहां पे कर्सर रुका यहाँ कोई एक्शन नहीं किया, इसने इसकी रो नंबर को ले लिया। ठीक है, प्रॉपर्टी है तो स्टोरेज पॉइंट चाहिए, तो इसने आर इसको स्टोरेज पॉइंट मिल गया तो इसकी रो नंबर को यहाँ आर पे स्टोर कर दिया। ठीक है, और ऐसे ही सी भी क्या सेम मेथड से सी कॉलम के लिए चला कि सबसे लास्ट कॉलम से राइट की तरफ आया जहां पे कर्सर रुका इसका कॉलम नंबर जो है वो आपको सी को दे दिया, तो यहाँ पे नंबर देगा ये, जैसे कि 18 दिया होगा या 7 दिया होगा। ठीक है, ओके, तो वो एंड कॉलम हमारे नंबर्स में है। ओके, तो इसने नंबर्स में है, A1 B1 C1 होता तो हम डायरेक्ट इन्वर्टर कॉमा में लिख देते, लेकिन वो नंबर्स में है तो हमने इसको सेल्स लेना पड़ा, क्योंकि मैंने बताया कि सेल्स ही ऐसा है जो आपका अगर रो एंड कॉलम नंबरिंग सिस्टम में है तो उसको रीड करता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन हो गया और एंडिंग पोजीशन के लिए रेंज ने सेल से मांग लिया। ओके, ठीक है ठीक है सर, थैंक यू, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। या दैट्स फाइन, थैंक यू, चलो जी।